मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर थर्ड ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट. ओके, चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज थर्ड के क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. ओके, सो एवरीवन रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द गिवन नंबर्स. देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर ए है 13,000 एंड 791. देखिए, इसमें जो कलर डिजिट होगा उस कलर डिजिट का हम लोग को क्या पता करना है, फेस वैल्यू ऑफ 7. इसमें कलर डिजिट क्या है, 7 है, तो इसका फेस वैल्यू पता करना है. और दूसरी बार क्या पता करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7. तो देखिए, कोई भी डिजिट हो किसी भी नंबर में, उसका फेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट इट्सेल्फ, यानी कि वो डिजिट ही होता है. यानी कि 7 का प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगा, 9 का प्लेस वैल्यू अगर पूछे तो 9 हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. यानी कि जिस डिजिट का किसी नंबर में फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो फेस वैल्यू क्या होता है, वो डिजिट इटसेल्फ, यानी कि वो खुद जो डिजिट होता है वो अपने आप में क्या होता है, फेस वैल्यू होता है. तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 7. ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं प्लेस वैल्यू पे. तो प्लेस वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 क्या है, 7 किस प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे है, हंड्रेड्स प्लेस पे है. ओके, तो 700 प्लेस पे है, तो 7 में हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, 700. ओके, या फिर ऐसे देख सकते हो, 7 लिख दिए, 7 के बाद से कितना डिजिट बच रहा है, 2 डिजिट, तो 20 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लेस वैल्यू हो जाएगा. तो इस तरह से इस क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो उसमें कलर डिजिट का हम लोग फेस वैल्यू या प्लेस वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6. यहाँ पे कोई नंबर दिया है, नंबर क्या है, ये नंबर है 526,521. देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करना है. किसका, 6 का. 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6000. नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. The difference of the given place value and face value is 6000 and minus 6. Okay, 0 minus 6 is not possible, so it will take one borrow from this, and this will take from this, and this will take from 6. Here will be 5, and this will be changed into 10. 1 give to this, this will be changed into 9 and 10. Okay, 10 minus 6 is equal to 4, 9 and 5. Okay, 5994 will be the final answer. ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर तो फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 235,257. देखिए, इसमें क्या करना है, 2 5 दिया है, इसका प्लेस वैल्यू निकाल के हम लोगों को क्या करना है, उनका सम करना है. ठीक है, ये 5 है,
फाइव टेंस प्लेस पे है तो फाइव टेन जा 50, ओके। और ये फाइव किस प्लेस पे है तो थाउजेंड प्लेस पे है तो फाइव थाउजेंड जा 5000। और इन दोनों का हमको क्या पता करना है, सम पता करना है। तो 5000 प्लस 50 दिस इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 एंड 0 एंड 5, इट मींस 5050 विल बी आवर सम, ओके, ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 इन दिस नंबर। दिए गए संख्या में 5 का प्लेस वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, उसके बाद से प्लेस वैल्यूज को हम लोगों ने प्लस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर ए है 25,308, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग को लिखना है। कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टू है, टू के बाद से हम लोग देख रहे हैं फोर डिजिट्स है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टू, ओके, 40 प्लस 5 लिखिए, 5 फाइव के बाद से कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स 30, जितने डिजिट बचेंगे उसके आगे उतना जीरो हम लोग लिख देंगे। 3 के बाद से कितना डिजिट है तो डबल है, 20 हो गया, प्लस 0 है तो प्लस 0 लिख सकते हैं, प्लस 8 है तो 8 के आगे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 8 वैसे लिखेंगे हम लोग। या फिर ऐसे देखिए 2 क्या है, 10,000 प्लेस पे है तो 2 10 20 20,000, 5000 प्लेस पे है तो 5000, 300 प्लेस पे है तो 300, 0 टेंथ प्लेस पे है तो 0 किसी भी प्लेस पे हो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है, प्लेस वैल्यू 0 आता है, फेस वैल्यू भी 0 आता है। 8 वंस प्लेस पे है तो 8 1 8। तो इस तरह से अदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्या करिएगा, ऐसे सॉल्व करिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज राइट द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है हम लोग को, राइट करना है शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। देखिए संख्याओं का यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे देखिए दिया है 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 6। तो इसको देखिए हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको पहले कॉलम में आप चेंज कर लीजिए, कॉलम में राइट कर लीजिए, तो 1,00,000 हो गया। इसके बाद से 30,000 है तो फर्स्ट 0,0 के नीचे, सेकंड वाला इसके नीचे, थर्ड वाला इसके नीचे, फोर्थ वाला इसके नीचे और ये थर्ड इसके नीचे हो जाएगा। इस तरह से राइट टू लेफ्ट हम लोग क्या करते हैं, इनका रीअरेंजिंग करते हैं, ठीक है। 2000 तो 0,0,0 एंड 2, उसके बाद से 100,0,0 एंड 1 एंड नेक्स्ट 0,7 एंड नेक्स्ट 6। अब इनका हम लोग क्या करें, सम फाइंड करें। तो 6 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होगा, फाइनली 6 7 1 2 एंड 3 एंड 1। इस तरह से हमको क्या मिल गया, 1,32,176। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, ये 1,32,000 ओके 176, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हो तो कॉलम में अरेंज करके उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जो हमारा सम आएगा दैट विल बी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।